आपसे होमवर्क दिया गया था, होमवर्क किस किसने कंप्लीट किया है बताइए जरा। सभी अपनी कॉपी शो कीजिए। अबीर वेयर इज अबीर, अबीर यादव कॉपी अबीर यादव आपकी क्लास नहीं है, आप थर्ड क्लास में ज्वाइन कीजिए बेटा, ये खुशी की क्लास है, आप खुशी को कंटिन्यू करने दीजिए। यश परमार समर्थ मीना आपने कंप्लीट नहीं किया एसडब्ल्यू, समर्थ मीना वेरी गुड, सभी ने कंप्लीट किया। आभास पांडे वेयर इज योर कॉपी, आभास पांडे एसडब्ल्यू शो कीजिए अपना, दिखाइए आपने एसडब्ल्यू कंप्लीट किया है नहीं। आभास पांडे होमवर्क कंप्लीट नहीं किया आपने, भूल गए थे, अभी आप स्कूल आइएगा कॉपी लेकर आपकी, ओके। लवेश यूनिफॉर्म कहाँ है आपकी? लवेश हर्ष पटेल हम भूल गए। कैसे भूल गए बेटा? नेक्स्ट वीडियो से याद रखिएगा। हर्ष पटेल यूनिफॉर्म कहाँ है आपकी? बोलो ना मंडे बेटा, वेयर इज योर यूनिफॉर्म बेटा? बोलो मैम मंडे से, मंडे से पक्का पहनेंगे। ओके मंडे से सभी यूनिफॉर्म में बैठिएगा, रेडी होकर क्लास में। समर्थ मीना, समर्थ मीना कॉपी कहाँ है आपकी? शो मी योर कॉपी, पेपर वर्क कंप्लीट नहीं किया समर्थ, एसडब्ल्यू किया आपने कंप्लीट? क्यों नहीं किया बेटा? समर्थ मीना एसडब्ल्यू क्यों कंप्लीट नहीं हुआ आपका? समर्थ अनय शर्मा आपने एसडब्ल्यू कंप्लीट किया बेटा? शो मी योर कॉपी अनय, वेयर इज योर कॉपी? यस मैम। ओके वेरी गुड। हर्ष पटेल अपना फोन प्रॉपर कीजिए बेटा, फोन को सेट कीजिए आप हर्ष पटेल। मयूर आस्ट्रेलिया आप भी अपने फोन को सेट कीजिए। हर्ष पटेल सेट कीजिए। ओके हमने हिंदी में टू चैप्टर कंप्लीट किए, सभी के चैप्टर कंप्लीट हो गए? बोलने हाँ मैम, यस मैम। इसका कंप्लीट नहीं हुआ है? यस मैम, यस मैम। प्रियांशी भगत कंप्लीट? प्रियांशी यस मैम, यस मैम। वेरी गुड। खाना ओके, आज हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड, ओके बेटा? यस मैम, यस मैम। हाथी और अंधे। किसी गांव में चार अंधे रहते थे, वो चारों पक्के दोस्त थे। वो खा पी कर एक पेड़
गांव में चार अंधे रहते थे। वे चारों पक्के दोस्त थे। वे खा पीकर एक पेड़ की छांव में इकट्ठे हो जाते और दिन भर अपने बीते दिनों की बातें करते हैं। शाम होने पर वे अपने अपने घरों में लौट जाते। उन चारों की आदत बहुत अच्छी थी। वे सबसे प्रेम से और मीठी आवाज में बात करते। स्क्रीन पे बुक दिखाई दे रही है, स्टॉप रीडिंग। यस मैम। स्क्रीन पे आपको बुक दिखाई दे रही है। देखिए आपका पार्ट थर्ड है, हाथी और दो अंधे। सॉरी, हाथी और अंधे। ठीक है, ये एक स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसी स्टोरी से फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। ओके, ध्यान से सुनिएगा बेटा। हाथी और अंधे। किसी गांव में चार अंधे लगा रहे वो चारों पक्के दोस्त। वो खा पी कर एक पेड़ की छांव में इकट्ठे हो जाते और दिन भर अपने बीते दिनों की बात करते। शाम होने पर वो अपने अपने घरों में लौट जाते। उन चारों की आदत बहुत अच्छी थी। वो सबसे प्रेम से और मीठी आवाज में बात करते थे, इसलिए सब लोग उनका आदर करते थे। ना वो किसी को परेशान करते थे, ना कोई उन्हें परेशान करता था। तू पढ़ लेना, मैं इधर करूंगी। हाथी और अंधे। किसी गांव में रहते थे। वो चारों पक्के वो खा पी कर एक पेड़ की छांव में इकट्ठे हो जाते और दिन भर अपने बीते दिनों की बात करते। शाम होने पर वो अपने अपने घरों में लौट जाते। उन चारों की आदत बहुत अच्छी थी। वो सबसे प्रेम से और मीठी आवाज में बात करते थे, सब लोग उनका आदर करते थे। ना वो किसी को परेशान करते थे, ना कोई उन्हें परेशान करता था। देखिए बेटा क्या हुआ था, एक गांव का, उस गांव में कितने अंधे दोस्त, कुछ दोस्त रहते थे, चार दोस्त रहते थे, ठीक है, और वो चारों क्या थे बेटा, ब्लाइंड, अंधे थे चारों, उन्हें दिखाई नहीं देते, अंधे थे, ठीक है, और वो हमेशा डेली अपना खाना पीना खाकर जो भी काम करना था अपना सारा काम कंप्लीट करके एक पेड़ की छांव में बैठ जाते थे, ठीक है, और वो दिन भर बातें किया करते थे और शाम होने पर अपने अपने घर चले जाते थे। और जो चारों बेटे, चारों दोस्त थे, वो बहुत पक्के दोस्त थे। और उन चारों की आदत क्या थी बेटा, कि वो सबसे अच्छे से बात करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और किसी को भी परेशान। आप दिख नहीं रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप दिख नहीं रहे हो मैम, एक दिन आप दिख नहीं रहे हो। कुछ लोग एक हाथी को लेकर आए। गाँव में शोर मच गया, हाथी आया, हाथी आया। मैम आप दिख नहीं रहे हो। देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब जमा हो गए। मैम आप दिख नहीं रहे हो। एक दिन उस गांव में कुछ लोग एक हाथी को लेकर आए। गांव में शोर मच गया, हाथी आया, हाथी आया।
हाथी को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान सब जमा हो गए। देखिए बेटा, उस गांव में क्या हुआ था, गांव के जो कुछ लोग थे वो किसे लेकर आए थे? एलिफेंट को लेकर आए थे। और जैसे एलिफेंट गांव में आया ना बेटा, तो जो गांव के लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए थे, एक जगह जमा हो गए थे। क्यों जमा हो गए थे? हाथी को देखने के लिए, क्योंकि एलिफेंट आया था। गांव में हाथी के आने की खबर उन चार अंधों तक भी पहुंची। उन्होंने देखा था, हाथी को देखने की इच्छा हुई। एक अंधा बोला, भाई हम हाथी को देख तो सकते हैं। वो चारों हाथी के पास गए, चारों ने हाथी को छूकर देखा और महसूस किया। पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को, दूसरे ने हाथी के पांव को, तीसरे ने हाथी के पेट को, चौथे ने हाथी की सूंड को छुआ। फिर वो आपस में बातें करने लगे। पहला, हाथी झाड़ू जैसा होता है। ये वीडियो तुम्हें क्या बोल रही थी? पकड़ो, वीडियो चालू मत करना। गांव में हाथी के आने की खबर उन चार अंधों तक भी पहुंची। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। उनके मन में भी हाथी को देखने की इच्छा हुई। एक अंधा बोला, भाई हम हाथी को देख तो नहीं सकते, लेकिन छूकर महसूस तो कर सकते हैं। वो चारों हाथी के पास गए, चारों ने हाथी को छूकर देखा और महसूस किया। पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को, दूसरे ने हाथी के पांव को, तीसरे ने हाथी के पेट को, चौथे ने हाथी की सूंड को छुआ। फिर वो आपस में बातें करने लगे। पहला अंधा, हाथी झाड़ू जैसा होता है। बेटा देखिए कैसे क्या हुआ था स्टोरी में आगे। जैसे उन जब गांव में हाथी आया तो उन चारों अंधे दोस्तों को भी पता चला। क्या पता चला? कि उनके गांव में कौन आया है? हाथी आया। वेरी गुड, एलिफेंट आया है। और फिर उन चारों दोस्तों ने डिसाइड किया, मतलब उन्होंने सोचा कि हम हाथी को देख तो नहीं सकते हैं। देख सकते हैं क्या वो हाथी को? नहीं मैम। क्यों नहीं देख सकते बेटा? हाथी को क्यों नहीं देख सकते? वो अंधे थे। क्योंकि वो अंधे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम हाथी को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम हाथी को छू कर महसूस कर सकते हैं, मतलब टच करके या हाथी को छू कर देख सकते हैं कि हाथी कैसा होता है। ठीक है, फिर हम चारों हाथी के पास गए। एलिफेंट जहाँ था उसके पास गए और चारों ने हाथी को टच करके, छू कर देखा। ठीक है, तो पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को टच किया। किसको छुआ था पहले अंधे ने? हाथी के पूंछ को। दूसरे ने हाथी के पैर को, लेग को टच किया। ओके, दूसरे अंधे ने किसको टच किया बेटा? हाथी के लेग को, पैर को, लेग को। वेरी गुड। फिर तीसरे अंधे ने किसको टच किया? हाथी के स्टमक को, हाथी के पैर को टच किया, पेट को। चौथे अंधे ने हाथी की सूंड को टच किया। वेरी गुड। फिर वो आपस में बातें करने लगे। तो पहले अंधे ने हाथी की पूंछ को टच किया, तो उसे क्या लगा कि हाथी किसके जैसा होता है? झाड़ू के जैसा। झाड़ू जैसा है। आगे देखिए, नहीं नहीं, हाथी खंभे जैसा होता है। तीसरा अंधा, हाथी होता है। तुम सब गलत कह रहे हो, हाथी तो मोटे सांप जैसा होता है। अब चारों आपस में झगड़ने लगे, कोई दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं था। एक आदमी उन चारों की बातें सुन रहा था। वो उनके पास आया और बोला, भाइयों
आप सब लोग ठीक बात कह रहे हैं। आपने हाथी के जिस हिस्से को छुआ उसे ही पूरा हाथी समझ बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा हाथी तो बहुत बड़ा है। तब उनकी समझ में बात आई कि जिसे वो सच समझ रहे हैं वो सच का एक हिस्सा है। पूरा सच बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरा अंधा, नहीं नहीं हाथी खंभे जैसा होता है। तीसरा अंधा, नहीं हाथी बड़े ढोल जैसा होता है। चौथा अंधा, तुम सब गलत कह रहे हो, हाथी तो मोटे सांप जैसा होता है। अब चारों आपस में झगड़ने लगे। कोई दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं था। एक आदमी उन चारों की बातें सुन रहा था। वो उनके पास आया और बोला, भाइयों मेरी बात सुनो, आप सब लोग ठीक बात कह रहे हैं। आपने हाथी के जिस हिस्से को छुआ उसे ही पूरा हाथी समझ बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा हाथी तो बहुत बड़ा है। तब उनकी समझ में बात आई कि जिसे वो सच समझ रहे हैं वो सच का एक हिस्सा है। पूरा सच बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए बेटा आगे क्या हुआ। पहले अंधे ने हाथी के किस पार्ट को छुआ था? पूछ को, टेल को, पूछ का। उसे क्या लगा कि हाथी की पूछ झाड़ू जैसा। मयूर ऑस्ट्रेलिया आप ध्यान से सुनिए, अभी स्पीक नहीं करना है आपको, बोलना नहीं है बेटा। दूसरे अंधे ने हाथी के पैर को छुआ तो उसे क्या लगा कि हाथी खंबे जैसा होता है। हाथी किसके जैसा होता है? खंबे जैसा। तीसरे अंधे ने हाथी के स्टमक पेट को छुआ तो उसे क्या लगा बेटा कि हाथी बड़े ढोल जैसा होता है। ठीक है, फिर चौथे अंधे ने हाथी के किसको छुआ था बेटा, किस पार्ट को छुआ था? सूंड को। ठीक है, उसने हाथी की सूंड को छुआ तो उसे क्या लगा कि हाथी मोटे सांप की तरह होता है। लेकिन हाथी ऐसा होता है क्या? हाथी ऐसा वो चारों दोस्त आपस में ऐसे बातें कर रहे थे। वहीं खड़े एक व्यक्ति, वहां पर एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने चारों की बातें सुनी। जो चारों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे उन्होंने बातें सुनी और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हैं हाथी ऐसा नहीं होता है। हाथी क्या होता है बेटा? बहुत बड़ा। हाथी क्या? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। लेकिन चारों अंधों को क्या लगा, उन्होंने हाथी के जिस पार्ट को छुआ उन्हें क्या लगा कि वही पूरा हाथी है। लेकिन हाथी है, उन्होंने पूरा हाथी को टच छुआ था क्या बेटा? ना मैम, उन्होंने हाथी क्या लगा कि हाथी तो वैसे ही होता है, क्योंकि वो तो हाथी को देख नहीं सकते थे। देख सकते थे क्या बेटा वो हाथी को? नहीं देख सकते। उन्होंने हाथी के जिस पार्ट को छुआ, जैसे पहले अंधे ने हाथी के पूछ को टच किया तो उसे क्या लगा कि हाथी किसके जैसा होता है? झाड़ू जैसा। फिर जैसा। दूसरे अंधे ने हाथी के पैर को टच किया तो उसे क्या लगता है कि हाथी खंभे जैसा होता है। फिर तीसरे अंधे ने हाथी के पेट को टच किया तो हाथी का पेट तो बहुत बड़ा होता है तो उसे क्या लगा कि हाथी ढोल जैसा होता है। और फिर जो चौथा अंधा था बेटा, उसने हाथी की सूंड को टच किया तो उसे क्या लगा कि हाथी मोटे सांप की तरह होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाथी वहीं पे खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, हाथी खुद ही एक बहुत बड़ा है। ठीक है, स्टोरी समझ में आई सभी को? यस मैम। अब देखिए आपको क्या करना है बेटा, लास्ट डे मैंने आपको एक लिंक शेयर की थी ग्रुप में और ये भी कहा था कि आपको इस लिंक को संभाल के रखना है और इसी लिंक से पढ़ाई करना है। ओके, तो उसी लिंक से आपको इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है और कल मंडे को फिर मैं आपसे मिलूंगी और आपसे ये चैप्टर सभी से पूछूंगी। ओके, आपको इसकी स्टोरी लर्न करनी है और फिर मंडे को मुझे बताना है कि स्टोरी में क्या हुआ था। ठीक है बेटा? ओके, HW समझ में आया सभी को क्या करना है? हाँ बेटा,
हाँ बेटा कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। कब चेक होएगी? बेटा जैसे ही आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कॉपी स्कूल में सबमिट करनी रहेगी। देखिए अभी हमने 1 चैप्टर कंप्लीट किया। मैम हम आपको क्या दिख रहे हैं? हाँ बेटा दिख रहे हैं आप मुझे। अभी आपका 3rd चैप्टर चल रहा है। जैसे ही 5 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा फिर आपको कॉपी स्कूल में जमा करनी रहेगी। ओके यस मैम। कॉपी कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट नहीं की है वो भी कर लीजिएगा। यस मैम। और मंडे को सभी स्टूडेंट्स फॉर्म में दिखाई देंगे। समर्थ मीना। यस मैम। समर्थ मीना। समर्थ मीना। आवाज आ रही है समर्थ बेटा आपको? यस मैम। बेटा आप अपनी फेयर कॉपी मंडे तक कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके यस मैम। समर्थ मीना स्क्रीन पर देखिए बेटा, लेफ्ट राइट क्यों देख रहे हैं? समर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा? समर्थ मीना समर्थ yes, बेटा आपको अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है। ओके मंडे को मैं सबसे पहले आपकी कॉपी चेक करूंगी। आपका वर्क इनकम्प्लीट है। यस मैम। ठीक है बेटा आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए फिर आपको स्कूल में कॉपी सबमिट करनी रहेगी। ओके और HW रहेगा। यस मैम। लिसन HW सुनिए बेटा, आपका सेकंड और थर्ड दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा? यस मैम। सेकंड चैप्टर की भी सभी से और थर्ड चैप्टर की भी। ओके कोई डाउट है बेटा, कुछ पूछना है किसी को? नहीं मैम। बाय सी यू टुमारो। बाय 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 मैम। बाय बाय।